हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद शर्मा एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूँ। कोरोना पेंडेमिक से हमारा जो वर्ल्ड अभी सफर कर रहा है, इस कंडीशन में स्टूडेंट्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि उनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पा रही है। घर बैठे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं हो सकती, कंपटीशन इतना ज्यादा। तो पेरेंट्स जो हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा टेंशन में है अभी कि क्या किया जाए। बट डोंट वरी स्टूडेंट्स, एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लेकर आया है। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपको पूरा सिलेबस घर बैठे आपको पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसी सीरीज में जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, उस एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में जो कि आईसीआर, बीएचयू और पीएटी, ये जो तीनों मेन एग्जाम्स हैं उसमें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है। और इस एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में मैं जो टिलेज वाला चैप्टर है, उस टिलेज वाले चैप्टर में प्लाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक मैं आपके पास लेकर आया हूं। कि प्लाउ में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, 1, 2, 3 क्वेश्चंस तक इससे आते हैं और हम कई बार कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको प्लाउ बताने जा रहा हूं, इसको पढ़ने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन यहां नहीं रहेगा, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाला है। हम देखते हैं यहां प्लाउ कैसे काम करता है, प्लाउ कैसे होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लाउ। फर्स्ट कंट्री प्लाउ है और सेकंड जो है मोल्ड बोल्ट प्लाउ है। तो पहले हम बात करेंगे कंट्री प्लाउ। कंट्री प्लाउ आर देसी प्लाउ, हम कंट्री प्लाउ की बात कर रहे हैं। इन इंडिया कंट्री प्लाउ इज मोस्ट पॉपुलर टिलेज इंप्लीमेंट्स। 70% ऑफ टोटल प्लॉइंग ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंट्री प्लाउ। 70% हम देखते हैं कि 70% इसका यूज होता है। जो प्लॉइंग होती है उस प्लॉइंग में जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं उसमें कंट्री जो प्लाउ है इसका कंट्रीब्यूशन है 70%। मोस्ट पॉपुलर टिलेज इंप्लीमेंट्स इन इंडिया। इंडिया में कंट्री प्लाउ जो है मोस्ट पॉपुलर प्लाउ है। अब ये जो कंट्री प्लाउ है, कंट्री प्लाउ अगर हम बात करें इसकी, तो कंट्री प्लाउ जो है इट्स ओपन वी शेप फर्रो। ये सॉइल को कटिंग करने वाला प्लाउ है, वी शेप इसका फर्रो होता है। क्यों वी शेप है? थ्रू कटिंग ऑफ द सॉइल, ये सॉइल की कटिंग करता है, इससे वी शेप फर्रो बनता है। और ये जो फरो है इसका साइज होगा 10x10 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे हम देखेंगे वी शेप फरो है, ये जो फरो है इस फरो में आप देखेंगे कि ये इसकी विड्थ हो गई और ये हो गई इसकी डेप्थ। तो विड्थ भी 10 सेंटीमीटर होगी और इसकी डेप्थ जो है वो भी 10 सेंटीमीटर होगी। तो साइज हो गया 10x10। वी शेप ये प्लाउ है। इट इज आल्सो नोन एज इंडिजियस प्लाउ, वुडन प्लाउ भी हम इसे कह सकते हैं, नेशनल प्लाउ भी इसे कहा जाता है। कंट्री प्लाउ इज मल्टीपर्पज प्लाउ। मल्टीपर्पज प्लाउ क्यों कहा? क्योंकि प्लोइंग कर सकता है, ये अर्थिंग कर सकता है, ये सोइंग कर सकता है और वीडिंग भी कर सकता है। अर्थिंग, सोइंग, वीडिंग, ये सारा काम ये कर सकता है, प्लोइंग भी कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये मल्टीपर्पज प्लाउ है, कंट्री प्लाउ मल्टीपर्पज प्लाउ बहुत ही फेमस है इंडिया में, पॉपुलर है। वुडन प्लाउ हम इसको कहते हैं। ये जो प्लाउ है होता कैसा है वो हम देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री प्लाउ, तो कंट्री प्लाउ जो है ये 5 जो पार्ट्स है उनसे मिलकर बना है। फर्स्ट है हैंडल, सेकंड ड्रो, थर्ड शेयर, फोर्थ बीम, फिफ्थ यॉक। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ कंट्री प्लाउ।
कंट्री प्लाउ के 5 पार्ट्स हैं। अब कंट्री प्लाउ होता कैसा है, ये वुडन प्लाउ है और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये है। हम देखते हैं कि ये जो प्लाउ है इसके जो 5 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट कौन सा है, तो फर्स्ट है हैंडल। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसे हमने कहा हैंडल। ये जो पार्ट है इसी को फार्मर्स जो है प्लॉइंग के टाइम पर ये इसको कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ में रखेगा। सेकंड, यहां पर आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, यहां पर बाकी सारे जो पार्ट्स हैं वो भी अटैच एक दूसरे से हो रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्री प्लाउ है। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, तो ये पार्ट होगा फ्रॉग। यहां पर आप देख लो हैंडल भी अटैच है, ये वाला पार्ट भी अटैच है, ये भी अटैच है, इसको हम कहेंगे फ्रॉग। अब हमने कहा ये वुडन प्लाउ है। अब वुडन प्लाउ अगर चलेगा और कोई स्टोन आ गया, इस पे स्ट्रोक आ गया, तो डैमेज हो जाएगा, है ना, जो वुड है वो ब्रेक हो जाएगी। इसलिए इसमें ये आयरन का पार्ट है, यही पार्ट जो है सॉइल की कटिंग करेगा। ये पार्ट जो है इसको हम क्या कहेंगे, सेल। ये आयरन का बना हुआ पार्ट है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो फ्रॉग है, ये फ्रॉग को आगे हम बुलक से अटैच करेंगे, और इसके लिए हमें यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रही है एक लकड़ी का बना हुआ ये पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलेंगे बीम। बीम और एक और पार्ट है इसके अंदर जो आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी, उसको हम कहेंगे यॉक। अब ये यॉक क्या है, तो यॉक को हम यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे ये जो प्लाउ है ये वुडन प्लाउ है, और वुडन प्लाउ में ये जो पार्ट है अच्छे से अटैच रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट है यहां और यहां, यहां और यहां, हम छोटे छोटे लकड़ी के जो पीस होते हैं वुडन पीस, स्मॉल वुडन पीस जो है उनको यहां हैमर से ठोक दें, ताकि ये एक दूसरे के साथ अच्छे से अटैच हो। इस पार्ट को हमने कहा है तो देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ वुडन प्लाउ आर कंट्री प्लाउ। फर्स्ट हमने क्या देखा, हैंडल, सेकंड फ्रॉग, थर्ड सेयर, फोर्थ बीम एंड फिफ्थ यॉक। अब अगर ये प्लाउ को हमें चलाना है तो आप देखोगे कि इसको अगर चलाना है तो इसमें एक और पार्ट रहता है, वो पार्ट कंट्री प्लाउ का पार्ट नहीं है, उसको अलग से अटैच करते हैं, और वो जो पार्ट है उसको हम यहां अटैच करते हैं। ये इस तरह से आपने देखा होगा एक क्रॉस वुड जो है उसको हमने यहां अटैच किया, इसे हम इस वुड को कहेंगे ड्राफ्ट बार। इसे हमने क्या कहा, ड्राफ्ट बार कहा। ये जो ड्राफ्ट बार है इसको हम यहां इसे रोप से कस देंगे। इस पार्ट में हमने देखा कि इसी के नीचे यहां पर जो बुलक होगा उसको हम यहां पर जोड़ेंगे, और ये जो बुलक है यही हम देखेंगे कि इसको आगे की तरफ ले जाएंगे प्लॉइंग में वर्क करें। ये जो कंट्री प्लाउ है उसका पार्ट नहीं है, इसको अलग से हमने अटैच किया है। यॉक हमने कहा ये है कि यॉक ये है, यहां पर स्मॉल पीस ऑफ वुड है हमने लगाया है उसको कहा, ठीक है। शेयर का हमने क्या कहा कि शेयर जो है ये स्टील का बना हुआ पार्ट है, स्टील का बना हुआ होता है, स्टील रॉड जिसकी लेंथ है 1.523 फीट, 1.523 फीट इसकी लेंथ होती है, स्टील रॉड का बना हुआ ये पार्ट होता है। ये बीम जो है इसकी लेंथ होती है 2 to 3 मीटर, 2 to 3 मीटर। ये जो कंट्री प्लाउ है हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री प्लाउ, इसके जो पार्ट्स हैं ये सारे हमने देख लिए। अब सेकंड हम बात करते हैं, तो सेकंड जो प्लाउ हमारे पास है उस प्लाउ को हमने कहा मोल बोल्ड प्लाउ। मोल बोल्ड जो प्लाउ है
ये एक कॉम्प्लेक्स प्लाउ है, ये सॉइल को कट करने के साथ साथ टर्न भी करता है, कट भी करेगा और टर्न भी करेगा। इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके जो पार्ट्स होते हैं, टू टाइप्स के पार्ट्स हैं, फर्स्ट है मेन पार्ट्स एंड सेकंड। पहले मेन पार्ट्स हम देख लेते हैं। मेन पार्ट्स कौन सा है? फ्रॉग, मोल्डबोर्ड, शेयर एंड लेयर साइड, फोर मेन पार्ट्स हो गए। और इसके हम बात करें तो सेकेंडरी पार्ट्स थ्री होते हैं। फर्स्ट है क्लेविस, सेकंड है ओल्टर एंड थर्ड इज भी। कंट्री प्लाउ हमने देखा सिंपल प्लाउ था, सॉइल को ओनली कट कर रहा था, लेकिन ये जो प्लाउ है ये क्या करता है, ये सॉइल को कटिंग करेगा और साथ में हम देखते हैं कि ये स्लाइस करके उसको टर्न भी करता है, सॉइल को टर्न करेगा। ये ग्रीन मैन्योर की टर्निंग में भी यूज आता है। ग्रीन मैन्योर को जो हम सॉइल में टर्न करते हैं उसकी टर्निंग में भी यूज होता है। इजीली परफॉर्म बाय मोल्डबोर्ड प्लाउ। द मोल्डबोर्ड प्लाउ मेक्स एल शेप्ड फर्रो। हमने देखा था कि इसका फर्रो का शेप एल होता है। स्ट्रक्चर ऑफ मोल्डबोर्ड प्लाउ इज वेरी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका। इसमें हमने कहा कि कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट इसके मेन पार्ट है। मेन पार्ट कितने हैं? फोर, फ्रॉग, मोल्डबोर्ड, शेयर एंड लेयर साइड। और इसके सेकेंडरी पार्ट से थ्री, क्लेविस, ओल्टर एंड व्हील। क्लेविस, ओल्टर एंड व्हील ये जो है ये इसके सेकेंडरी पार्ट्स हैं। सेकेंडरी पार्ट्स हम इनको अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोल्डबोर्ड प्लाउ। मोल्डबोर्ड प्लाउ का हम यहां पर स्ट्रक्चर जो है वो देखने वाले हैं। मोल्डबोर्ड प्लाउ का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मोल्डबोर्ड प्लाउ। अब मोल्डबोर्ड प्लाउ का स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि कैसे बना। तो ये जो प्लाउ है इसमें हम देखते हैं कि फोर मेन पार्ट्स हैं और थ्री जो है इसके वो सेकेंडरी पार्ट्स हैं। इसके मेन पार्ट्स अगर हम देखें तो मेन पार्ट्स में हम देखते हैं मोल्डबोर्ड है, शेयर है, देन हम देखेंगे यहां पर इसके हैंडल आ जाएगा। हैंडल के बाद हम देखेंगे बीम है। फिर यहां पर हम देखते हैं ये जो पार्ट है लैंडस्लाइड होगा। लैंडस्लाइड के बाद हम देखेंगे इसी रॉड होगी। ये जो रॉड है ये आगे जाकर अटैच होगी एक व्हील से। व्हील जो है उससे अटैच होगी। ये व्हील जो है ये यहां पर अटैच होगा। इसके बाद हम देखेंगे यहां पर कि यहां पर एक ऐसे टू हुक्स होंगे। हुक्स जो है इसमें एक रॉड होगी। ये मोल्डबोर्ड प्लाउ का हमने स्ट्रक्चर देखा। अब इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो फोर जो मेन पार्ट्स हैं वो, और थ्री इसके जो सेकेंडरी पार्ट्स हैं वो हम देखेंगे। मेन हम यहां देख रहे हैं ये जो पार्ट है इसे फ्रॉग कहा। फ्रॉग जो है एक तरह से चेचिस होता है प्लाउ का, जिस पर दूसरे जो पार्ट्स होते हैं उनको अटैच किया जाता है। ये जो पार्ट है हमने इसको कहा फ्रॉग। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मोल्ड बोल्ट। मोल्ड बोल्ट के कारण ही ये मिट्टी को टर्न करता है, सॉइल को टर्न करता है। हमने कंट्री प्लाउ में देखा मोल्ड बोल्ट था क्या? नहीं था, इसलिए वो सॉइल को ओनली कट कर रहा था। और ये मोल्ड बोल्ट के कारण सॉइल को कट करता है और कट करने के साथ साथ ये सॉइल को टर्न करता है। देर हम बात करें तो लैंडस्लाइड, ये लैंडस्लाइड यहां पर लगा हुआ है। लैंडस्लाइड का वर्क होता है कि ये जो फरो होता है फरो के क्लोज रहेगा और टर्निंग के समय इसको बैलेंस करता है, प्लाउ को बैलेंस करेगा, प्लाउ जैसे गिर नहीं जाए गिरने से बचाने के लिए यूज होता है। देन फोर्थ मेन पार्ट क्या है? शेयर। ये शेयर का वर्क क्या है? तो शेयर जो है फरो में सॉइल को कटिंग का वर्क जो है वो शेयर का है। ये फोर इसके जो मेन पार्ट्स हो गए। अब सेकेंडरी पार्ट्स हम देखें तो सेकेंडरी पार्ट्स में है कोल्टर, कोल्टर यहां लगा रहता है, देन व्हील, और लास्ट में हम देखते हैं कौन सा पार्ट है? क्लेविस। ये मोल बोर्ड जो है, मोल बोर्ड के हमने यहां पर स्ट्रक्चर देखा। मोल बोर्ड के फोर हमने देखे कि फोर जो है इसके मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट है फ्रॉग। ये जो फ्रॉग है फ्रॉग पर हम देखेंगे जो अदर पार्ट्स हैं वो अटैच रहते हैं।
ये चेचिस की तरह होता है। मोल बोर्ड हमने कहा, मोल बोर्ड एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों है? क्योंकि सॉइल को क्या करेगा? गर्मी करेगा। फिर हमने कहा लैंड साइड जो है ये फरो पे क्लोज रहेगा, बैलेंस करेगा। किसको बैलेंस करेगा? प्लाउ को। शेयर जो है, शेयर का काम क्या है? तो शेयर का जो वर्क है ये फरो में सॉइल की कटिंग करता है। अब हमने कहा कि ये जो फरो है, मोल बोल्ड प्लाउ का जो फरो है वो कैसा होगा? एल शेप। एल शेप पे जो है इसका फरो होगा। अब इस एल शेप्ड फरो में हम देखते हैं कि ये जो नीचे वाला भाग है इसको तो कट कौन करना? शेयर। लेकिन साइड से फरो की बाल जो है उसकी कटिंग कौन करेगा? तो उसकी कटिंग करता है कोल्टर। ये यहाँ पर एक कटर जैसा इसका पार्ट होता है, ये ऐसा पार्ट है कटर जैसा, ये पार्ट होगा कोल्टर। इस पार्ट को हमने क्या कहा? कोल्टर। ये कोल्टर जो है एक कटर जैसा पार्ट है मोल बोल्ड। देन व्हील जो है ये यहां पर लगा होता है, ये प्लाउ को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर लाने ले जाने के लिए ये वर्क करता है। नेक्स्ट आता क्लेविस। ये क्लेविस यहां पर लगा रहता है, ये प्लाउ को ट्रैक्टर से और बुलक से, ट्रैक्टर से और बुलक से अटैच करने के लिए यहां पर भाग लगा होता है, ये पार्ट लगा होता है। इस पार्ट को हम कहेंगे क्लेविस। ये क्लेविस जो पार्ट है ये मोल्ड बोल्ट को ट्रैक्टर से और बुलक से अटैच करता है। ये हमने मोल्ड बोल्ट और मोल्ड बोल्ट के हमने यहां पर पार्ट्स थे। ये ऐसे ही जो वीडियो है हम लेकर आपके लिए आए हैं ताकि आपकी लर्निंग बहुत इजी हो जाए। हमने अगर एग्रीकल्चर पहले नहीं पढ़ा है तो भी कोई डर नहीं है, क्योंकि सारा जो पार्ट्स है, सारी पिक्चर्स और सब चीजें आपको यहाँ हम दिखाने वाले हैं, और इससे आपको बहुत ही आसानी से सारी चीजें याद हो जाएंगी। हमारा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं है तो भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को हम बहुत ही इजी कर देंगे। यही हमारा यह मेन पर्पस है और इसी के लिए हम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं। आगे भी ऐसे ही वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं इसके लिए आप हमारे कोचिंग की वेबसाइट से जुड़े, एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लें और हमारे ऑफिस में भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।